और देखिए आईएएस बनने का, अधिकारी बनने का ख्वाब वो लेकर के आए थे और उनके हिस्से मौत आ गई। बड़ी जानकारी एक और आपको हम दे दें, आईएएस कोचिंग सेंटर हादसे पर अपडेट जान लीजिए आप। हादसे की फॉरेंसिक जांच शुरू हो गई है, इतना पानी आखिर कैसे घुसा पता लगाया जा रहा है। अब ये पानी इतना 12 फीट जो बताया जा रहा है, वो इतना पानी आखिर कैसे घुस गया अचानक से अंदर, जब वहां पर बच्चे मौजूद थे, इसके बारे में जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। अभी एनडीआरएफ की जो डाइवर्स की टीम है, टोटल अब तक 3 बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड, 2 फीमेल बॉडीज एंड 1 मेल बॉडी। उनको फर्दर लीगल एक्शन के लिए हमने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया है। जो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे फंसे हुए थे उनको हमने रेस्क्यू भी किया है। 3 स्टूडेंट्स हैव बीन सेंट टू हॉस्पिटल, दे आर फाइन। उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल भेजा है और जो कुछ बाकी और जो बाकी जो कुछ यहाँ पे काम करने वाले टीचर वगैरह टाइप के थे, जिनको भी रेस्क्यू किया गया था, उनको भी हमने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा है। जैसे मैंने बताया, 3 तो हमने डेड बॉडीज रिकवर किए हैं, उसके अलावा करीब हमारे 13-14 लोग, अब एग्जैक्ट डिटेल्स आर देयर, मतलब जिनको हमने मतलब लाइव रेस्क्यू किया, दे आर फाइन, दे हैव बीन सेंट टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। एंड ड्यूरिंग दिस एंटायर रेस्क्यू प्रोसेस जो है, हमारे एक फायर पर्सनल का भी थोड़ा सा हेल्थ खराब हुआ था, तो उनको भी हमने हॉस्पिटल भेजा है। अब सर्च एंड रेस्क्यू के अलावा जो लीगल एक्शन वाला पार्ट है, किसी को अरेस्ट भी किया है क्या? वी हैव रजिस्टर्ड ए क्रिमिनल केस, हमारे फोरेंसिक टीम्स भी यहाँ पे हैं, हम उसको स्ट्रिक्ट सेक्शंस पे रजिस्टर करके वी आर टेकिंग प्रॉपर एक्शन इन दैट हमारे फोरेंसिक टीम्स के साथ। और उसके बाद जो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ से जो जो चीज फोरेंसिक एग्जामिनेशन करके जो चीज करना है, वो सारे चीज हम कर रहे हैं। एनडीआरएफ को हम लोग को जैसे ही सूचना मिली है, लगभग 9 बजे से हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, आते ही हमने तुरंत ही एक बॉडी रिट्रीव की, उसके जस्ट 15 से 20 मिनट बाद दूसरी बॉडी रिट्रीव की, और उसके एक घंटे के लगभग में फिर हमने तीसरी बॉडी रिट्रीव की, और अभी हम लोग फाइनल सर्च के दौरान फाइनल सर्च कर रहे हैं, ताकि जो भी कोई भी अगर फंसा हो, ताकि हम उसको रिट्रीव कर सकें। एनडीआरएफ की एक पूरी टीम लगी हुई है और मैं उसका इंचार्ज हूँ, और पूरी तरीके से एनडीआरएफ पूरे तरीके से लगी हुई है, और हम लोगों को जब से सूचना मिली है और जब हम पहुँचे हैं, उसके बाद हम लगातार हमारे रेस्क्यूअर जो है पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, और उनके काम के बदौलत ही हमने 3 बॉडी अभी तक रिट्रीव कर लिए। चैलेंजिंग क्या थी? चैलेंजेज बहुत है इसमें। जब हम लोग पहुँचे थे, लगभग 12-13 फीट पानी थी, हमारे डीप डाइवर भी नीचे गए, और उसके बाद डीप डाइवर ने पूरे सर्च किया, और सर्च करने के बाद फिर बॉडी को, फर्स्ट बॉडी को रिट्रीव किया। ये देखिए, जब कॉल मिली थी, ये बताया गया था कुछ बच्चे फंसे हुए थे वहाँ पे। शुरू में जब हम गए तो क्योंकि बेसमेंट पूरा पानी से भरा हुआ था ऊपर तक, और उससे पानी बाहर आ रहा था, और सड़क पे भी पानी भरा हुआ था, तो शुरू में तो आप ये देखिए, हम पानी निकाल रहे थे, वो पानी वापस आ रहा था, क्योंकि सड़क ऑलरेडी पानी से लबालब भरी हुई थी। पर जैसे जैसे जो है बारिश का पानी रिसीड हुआ, फिर हमने जो है बेसमेंट से पंप लगा के जो पानी निकाले, तो हमें जो है एक पहले एक बच्चे की वो मिली, बॉडी मिली, और उसके बाद फिर दूसरी बच्चे की बॉडी मिली। काम अभी भी जो है हमारा रेस्क्यू काम चालू है। 2 से 3 बच्चे ही शुरू में बताए गए थे, तो 2 बच्चे हमें मिल चुके हैं, तो एक बच्चा और है, उसी को हम लोग अभी ढूंढे, और मुझे लगता है 1 घंटे के अंदर में वाटर लेवल और नीचे चला जाएगा, तो उसके बाद जो है हमें अगर वो बच्चा है अभी तो हमें ज़रूर मिल जाएगा। यहाँ वहाँ पे मैं एक देख रहा था अभी कि बताया मेरे को एक लड़के ने वहाँ पे कि सर पानी हर बार भरता, पर इस बार पता नहीं अचानक इतनी तेज़ी से पानी भरा कि हमें बाहर निकलने का समय नहीं निकल पाया, मतलब नहीं मिल पाया, हम बाहर नहीं निकल पाए। 30 बच्चे करीब बता रहे थे वो लोग थे, काफ़ी लोग निकल गए, 2-3 बच्चे जो रह गए, क्योंकि पानी वो ये बता रहे पानी भरने में 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम लगा नहीं, तो पानी कैसे इतनी तेज़ी से भर गया, इतनी तेज़ बारिश हुई, या सारा पानी उधर कैसे आ गया, ये एक जाँच का विषय हो सकता है। तो दिल्ली पुलिस, एनडीआरएफ और फायर सर्विस के अधिकारियों की बात आपने सुनी, वो जानकारी साझा कर रहे हैं मेरे सहयोगी दीपक, लगातार मेरे साथ बने हुए। आइए सीधे उन्हीं का एक बार फिर जरूर करते हैं। दीपक, क्या ये जानकारी अभी तक मिल पाई है, या फिर किसी के पास ये जानकारी है कि जब बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे, बच्चे वहां पर मौजूद थे, तो अचानक से इतना पानी वहां कैसे आ गया कि उनको संभलने तक का मौका नहीं मिला, वो बाहर निकल नहीं पाए, वहीं डूब गए, ये कैसे हो गया?
बिल्कुल दीपा, इसकी जो जानकारी जो अभी इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक जो जानकारी सामने आई है उसमें सीधे तौर पर यही बताया गया है कि यहाँ पर एक पुराना सीवरेज का पाइप था जो अचानक से फटा और फटने के बाद एकदम से बेसमेंट में पानी भरना शुरू हो गया। दिल्ली में अक्सर हालात बारिश के बाद ऐसे होते हैं कि आपको जगह जगह जलभराव जैसी समस्या देखने को मिलती है, लेकिन कुछ जो बिल्डिंग्स ऐसी हैं जहाँ पर बेसमेंट ऐसे तैयार किए जाते हैं कि अगर पानी भर गया तो उसकी निकासी एकदम से नहीं हो पाती है, उसके लिए मोटर लगाने पड़ते हैं, सक्शन पंप लगाने पड़ते हैं और अक्सर यही वजह रहती है कि बड़े बड़े हादसे भी ऐसे होते हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई, आप जरा सोचिए इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी, हाई प्रोफाइल बिल्डिंग है और बेसमेंट में पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब आप समझिए कि अगर इसके अंदर पानी भरा होगा जिसको अभी तक निकालने में इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है तो उस दौरान क्या हालात होंगे जब कई गैलन पानी जो है एकदम से भर गया होगा। और यही बताया जा रहा है कि उस दौरान करीबन 15-20 छात्र थे, 13-14 को बाहर निकाला गया, 3 की मौत हो गई। लेकिन सवाल ये भी है जो छात्र यहाँ बता रहे हैं कि इस पूरे बेसमेंट में करीबन 100 से ज़्यादा बच्चे अक्सर लाइब्रेरी में बैठते थे क्योंकि बच्चे आईएएस की कोचिंग कर रहे हैं, देर रात तक पढ़ते थे। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि जब कुछ दिन पहले भी यहाँ पर पानी भर गया था, आप बाहर देखिए इसी तरीके से बारिश होती है तो पानी भर जाता है, तो जब पहले भी पानी भरा था तो ऐसे में जब बारिश हो रही थी और बच्चे बेसमेंट में थे तो उन्हें क्यों वहाँ से बाहर नहीं निकाला गया। सवाल कई सारे हैं, जवाब सरकार को देना है, MCD को देना है, प्रशासन को देना है, लेकिन अभी तक ये ज़रूर है कि 3 बच्चों की जान चली गई, लेकिन इन बच्चों की जान के पीछे कि इतने बड़ा खिलवाड़ किसका है वो जानना जरूरी है। बिल्कुल, और सवाल का जवाब तो IAS, ये राव IAS कोचिंग सेंटर जो है उसके जो मालिक है, जो संचालक है, उनको भी देना होगा। दीपक, आप रहे हमारे साथ। अब दिल्ली IAS कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ उस पर FIR दर्ज हो गई है, बड़ी खबर है। दिल्ली पुलिस ने क्रिमिनल केस दर्ज किया के 2 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है, बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने क्रिमिनल केस दर्ज किया के और 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ हो रही है। अब इस पर एक्शन भी अब होता हुआ नजर आ रहा है। अजातिका मेरे साथ लगातार बनी है। अजातिका, जो सवाल मैं दीपक से करना चाह रही थी, कोचिंग संचालक की तरफ से कोई बात कुछ बाहर निकल करके आ रहा है, कोई कुछ बोलेगा? क्योंकि जवाबदेही तो सबसे पहले जो बनती है वो कोचिंग संस्थान की बनती है, कोचिंग संचालक की बनती है। कोई जानकारी है इनके बारे में? देखिए, बीती शाम 7 बजे से अब सुबह के 7 बजने वाले हैं, लेकिन अब तक कोई जानकारी कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं आई है। और लापरवाही इतनी ज़्यादा कि जब यहाँ पर पानी भर गया, वक्त रहते कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहता तो सभी छात्रों को प्रॉपरली इन्फॉर्म किया जाता, उनके परिवारों को इन्फॉर्म किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने इंतज़ार किया कि यहाँ पर पानी भरे और डिज़ास्टर यानी विनाश जैसी स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो। उस बात को अगर तभी की तभी सीरियसली लिया होता, सिंसेयरली लिया होता, तो ये पूरी घटना अवॉइड की जा सकती थी। 7 बजे से शाम के यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। रात को 4 बजे तक जानकारी दी गई NDRF की तरफ से कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जा चुका है, लेकिन अब भी आप देखिए तमाम आपको मोटर के जो पाइप्स हैं वो लगे हुए दिखाई देंगे और लगातार जो अब भी भरा हुआ पानी है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। उसमें मलबा भी इकट्ठा है और पूरी तरह से बस अब जो तमाम छात्र हैं वो उम्मीद यही कर रहे हैं कि इसमें कोई और छात्र ना निकले, किसी की बॉडी ना निकले। अब तक जो 3 छात्र हैं उनकी बॉडी जो निकली है उसको लेकर आप रहे हमारे साथ। दीपक आप भी और मदिहा आप भी, आगे भी आपका हम रुक करेंगे।